नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल GDS Info में। अगर अभी भी आपने GDS Info को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके GDS Info को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि GDS Info का साथ है तो GDS में भी बात है। बहुत घटिया जोक्स मारा, चलिए ठीक है शुरू करते हैं। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग प्रोमोशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर जो है आप कॉल कर लेना, वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अब जो है प्रोमोशन एग्ज़ाम का जो डेली क्विज़ है, PDF है, बहुत सारा चीज़ हम आप लोगों को मिनिमम कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मिस कर रहे हो तो क्या कह सकते हैं, आप चाहे तो सेपरेटली भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। आपका जितना आपका मतलब जितना आपका चाहिदा है, जितना आपका ज़रूरत है, उस बेसिस पे भी आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा होने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो है डाक भवन न्यू दिल्ली से पहले भी आ चुका था, हम इस पर वीडियो भी बना चुके थे लेकिन कंप्लीट वीडियो नहीं थे। पहले देख लेते हैं कि ये डाक मित्र क्या है। ये डाक मित्र है प्रपोजल फॉर रिवैम्पिंग ऑफ फ्रेंचाइजी स्कीम। तो पोस्ट ऑफिस का जो फ्रेंचाइजी स्कीम है, फ्रेंचाइजी क्या होता है ये आप सबको मालूम है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका छोटा छोटा मतलब रेप्लिका तैयार किया जाता है ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी जो है ये अधिकांश क्षेत्र में प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट अंडर नहीं होते हैं। और एक जो बात मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी मॉडल है, अभी भी पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी मॉडल है, लेकिन वो डाउनवर्ड है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जेनरेट नहीं कर सक रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है नया एक फ्रेंचाइजी मॉडल डाक मित्र आना है, जो अभी भी जो है चिंता भावना के स्तर पे है, अभी भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे ये जस्ट भेजा गया है, ये कब तक होगा ऐसा भी कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी क्या है। तो एक बात जो है सभी के मन में आता है और हमको पहले वाले वीडियो में कमेंट में भी आया था कि 1.5 लाख तो पोस्ट ऑफिस, 1.55 लाख तो पोस्ट ऑफिसेज है, अब फ्रेंचाइजी मॉडल लाने का क्या मतलब है? क्या अब जो है चांद पे जाके खुलेगा पोस्ट ऑफिस, चांद पे जाके खुलेगा पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये जो है एक खिचड़ी खाने का जो स्टोरी है, हमने सुना था कि जब कोई खिचड़ी खाता है तो साइड से खाना है पहले, नहीं तो बीच में अगर हाथ दोगे तो हाथ जल जाएगा, इसलिए साइड से खाते खाते बीच में जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है कि अगर ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो है, तो ऐसा ही बात है कि एक बार में अगर कोई कह देता है कि पोस्ट ऑफिस टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जस्ट एक प्रपोजल है, लेकिन एक बात है, आप लोगों के डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी SO था, जो भी BO था, वो सभी अपने पोजीशन पे सही रहेगा, उसको कोई प्राइवेट नहीं करेगा। लेकिन जो नया ब्रांच ऑफिस ओपन होगा, शायद उसको जो है प्राइवेट तरीके से शुरू किया जाएगा। और ये भी प्रपोजल के स्तर पे है, अभी अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये कॉन्फर्मेशन हो जाता है तो ही आप लोगों को जो है डरने की थोड़ा सा ज़रूरत है। देखते हैं कब तक ये होगा। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन जो करेंट फ्रेंचाइजी मॉडल का है वो रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है, मतलब वो कंजर्वेटिव है और रक्षणशील है, ठीक है। उसमें PO डिपेंडेंसी ऑन लिंक PO, नो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरफेरेंस फॉर नो रियल टाइम डाटा फ्लो इन एडिक्शन लेस अमाउंट ऑफ इंसेंटिव पर पेमेंट, इंसेंटिव भी कम देता है उन लोगों को। नॉन डिसेंटिव वेट डिस्टेंस ऑल्सो मार्स बुकिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस आर्टिकल एज वेल एज पार्सल्स। फर्दर डिलेज इन पेमेंट ऑफ कमीशन फ्रॉम DO, तो कमीशन में भी डिले होता है इस पर। दिस मल्टीपल ह्यूमन इंटरक्शंस आर अल्टीमेटली डीमोटिवेटिंग फ्रेंचाइजिंग होल्डर एंड दस शोन डाउनवर्ड ट्रेंड, हो गया। तो इस सब वजह से ये करेंट फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पर्पस क्या है न्यू फ्रेंचाइजी मॉडल लाने का? इन ऑर्डर टू एड्रेस रिमूव इश्यूज विथ एन इंटेंशन टू एक्सपेंड द सर्विस बेस लिवरिंग
आवर भास्ट पोस्टल नेटवर्क, ये भी ठीक है कि पोस्टल नेटवर्क बहुत भास्ट है, एंड इनडोमिटेबल ट्रस्ट ऑफ कस्टमर इन इंडिया पोस्ट इज़ ए ब्रांड, ए रिवैम्प्ड फ्रेंचाइज स्कीम इज डिजायरेबल एट दिस केस स्टेज, दिस वुड नॉट हेल्प एक्सपेंड पोस्ट ऑफिस फुटप्रिंट विदाउट इंक्रीजिंग एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। ये जो है ये सही बोला है कि पोस्ट ऑफिस का एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट बच जाएगा, बट वुड ऑल्सो बी गिव बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ए स्ट्रॉन्ग पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी नेटवर्क कैन जनरेट मोर देन 5 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। मतलब ये समझ लो कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल में तो एक ही पर्सन बैठेगा, तो 5 लाख न्यू पोस्ट ऑफिस ओपन का यहाँ पे सोचा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि ऑल इंडिया बेसिस पे 5 लाख न्यू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल तैयार होगा, ठीक है। तो ठीक है, कैरी आउट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन फॉर ब्रिंगिंग अप पॉलिसी एंड ऑन रिवैम्पिंग ऑफ फ्रेंचाइज आउटलेट्स दिस डॉक्यूमेंट कन्विंस्ड। आप देख लेते हैं कि फीचर्स क्या होगा फ्रेंचाइजी का, डाक मित्र का फीचर्स क्या होगा, उनको डाक मित्र कहेगा, ठीक है, संक्षेप में DM डाक मित्र। बेसिक फीचर्स है, इन प्रिंसिपल ऑल सर्विस रेंडेड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम फ्रेंचाइजी आउटलेट। मतलब BO का सारा काम जो है फ्रेंचाइजी करेगा और शायद अकेला ही करेगा, एक पर्सन ही करेगा। अप्रोप्रिएट नॉमिनक्लेचर ऑफ डाक मित्र इन प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजी टू बी यूज्ड, हमने कहले कहा था। ऑल आउटसोर्स्ड पोस्टल एक्टिविटीज सर्च OSA OPA PSSK विल गेट सकम अंडर न्यू स्कीम डाक मित्र, ठीक है। एक्टिंग एज एन एग्रीगेटर फॉर ऑल द हैसल फ्री अप्रोच विथ मेजर ब्रॉडिंग ओवरहॉलिंग टू इमर्ज अ सुइटेबल अल्टरनेटिव ऑलमोस्ट ऑल मार्केट कॉम्पिटिटर्स। ये तो घटिया लाइन है, ये कभी हुआ है आज तक? कोई BO में ही नहीं हुआ है तो फ्रेंचाइजी में खाक होगा, ठीक है। कैटेगरी क्या है, 3 कैटेगरी में हमने पहले भी कहा था कि कोई अगर चाहे तो इंडिविजुअल डाक मित्र हो सकता है, कि हमारे पास एक ही है, हम एक है और हमको यहाँ पे एक ही ऑफिस चाहिए, ठीक है, जो हम मेंटेन कर सकते हैं। इंडिविजुअल हो सकता है, एक सोसाइटी, ठीक है, एक सोसाइटी होता है ना स्वनिर्भर समिति के टाइप का, तो अगर कोई इंस्टीट्यूशनल उस बेसिस पे खरीदना चाहते हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल, वो ले सकते हैं। और होता है क्या, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट मतलब जो, मतलब 5 करोड़ से IT सेक्टर, ऐसा कोई कि 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर जिसका है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी मैंडेटरी था, और जो भी GDS काम कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप तो खुद काम कर रही है, अगर आपके घर वाले किसी को ये फ्रेंचाइजी मॉडल मिल जाता है, ठीक है, तो आपका तो दुगना इनकम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन कुछ तो है नहीं, बस फ्रेंचाइजी मॉडल है तो ले लो, ओके। तो ये कैटेगरी 1 और 2 जो है, मतलब सेल्फ एंड इंडिविजुअल एंड जो है इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल जो है, तो ये दोनों जो है अंडर कंट्रोल ऑफ पोस्टल डिविजन लाइक फ्रेंचाइजी आउटलेट, allotment, accounting and link post office or be under the unit under which the link post office falls। तो इसके ऊपर एक पोस्ट ऑफिस ही रहेगा। और कैटेगरी 3 जो है वो रीजनल विथ सर्किल ऑफिस दिल्ली मुंबई चेन्नई इस सबसे जड़ित रहेगा, ठीक ही है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल बेसिस पे खोल रहे हैं तो आपको मिनिमम 30 आउटलेट खोलने होंगे, ठीक है, 30 आउटलेट मिनिमम खोलने होंगे। तो एक मतलब इतना बड़ा शहर छोड़ के बाकी सारा फ्रेंचाइजी नहीं संभाला जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के थोड़ा बहुत कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल डाक मित्र अगर है तो मिनिमम उसको 25 ईयर होना है, ग्रेजुएट होना है और प्रिफरेबली सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, ठीक है, यही तो मतलब घटिया है। इंस्टीट्यूशनल लेवल होता है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी एज पर रूल्स अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, सेंट्रल का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट उसके अंडर आपको एक सोसाइटी फॉर्म करना है, और सिंगल और मल्टीपल आउटलेट्स कैन बी परमिटेड। और कॉरपोरेट को जो है 1 करोड़ एनुअल टर्नओवर की ज़रूरत है और रीजनल प्रेजेंस विथ 30 आउटलेट्स अवेलेबल फॉर रोल आउट, मिनिमम 30 चाहिए इनको, हो गया। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या करना है, ये इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल का यही एक मतलब डिसक्रेडिट है कि आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मिनिमम है यहाँ पे।
आपको सुइटेबल लोकेशन चाहिए कि पोस्ट ऑफिस जहाँ कहेगा यहाँ चाहिए वहाँ ही लेना होगा। हार्डवेयर में आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पेरिफेरल्स एंड और अदर हेल्ड एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर चाहिए, बारकोड प्रिंटर चाहिए, हो गया। उसके बाद पैकिंग फैसिलिटी और पार्सल चाहिए आपको, बैंक गारंटी एज पर बिलो स्पेसिफिकेशन डिपॉजिट करना है रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल डाक मित्र होना चाहते हैं तो आपको मेलिंग के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ मेलिंग करेंगे रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण एरिया में, अर्बन में बाद में जाएंगे, तो इंडिविजुअल डाक मित्र को 10,000 डिपॉजिट करना है मेलिंग में, एंड सेविंग्स और इंश्योरेंस में आपको जो है अगर आप ये करना चाहते हैं तो 50,000। सिमिलर है इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल का, कॉरपोरेट का यहाँ पे 50, यहाँ पे 1,00,000। अगर अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया में जाते हैं तो आपको मेलिंग के लिए ही 50 जमा करना होगा और सेविंग्स के लिए इंश्योरेंस। ये जो है ये गारंटी बॉन्ड है, ठीक है, ये कोई आपसे ले नहीं रहा है, जब आप छोड़ दोगे ये तो आपको ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग आप क्या है, द ओनर्स ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन दिस डीएम सुइटेबल स्ट्रेटेजी अलोंग विद इन्वेस्टमेंट शैल पुट इन प्लेस। मतलब ये मार्केटिंग क्या है, पोस्ट ऑफिस से गंगा जल सेल होता है, आप लोगों को पता है गंगा जल सेल होता है, तो ये सारे जो मार्केटिंग है ये और भी है, ठीक है। चलिए अब ये जो रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डीओपी क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम विथ फ्लेक्सिबल मॉडल, कैन एप्लीकेंट कैन कस्टम चूज व्हाट द सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही और शी वांट्स टू अप्लाई फॉर। ये बहुत बढ़िया क्या है कि आपको सिलेक्शन का अधिकार दिया है कि आप कौन कौन सा सर्विस देना चाहते हो। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस इन प्रीवियस मॉडल्स बी डन अवे विथ, हो गया। व्हाइल लोकेटिंग द डीएम फ्रेंचाइजी प्रिफरेंस टू बी गिवेन टू द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल हु आर कीन ऑन अर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी इन कोऑपरेशन बाई पार्टनरिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इफ नेसेसरी एन इंटरव्यू एट एप्लीकेशन लेवल एक्सेसिंग दिस as well as marketing ability along with business plan proposed by applicant must be taken into consideration, ठीक है। मतलब आपको तो वैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, ओके। उसके बाद क्या है, ब्रांडिंग ऑफ आउटलेट्स हैल बी अंडरटेकन बाई कंट्रोलिंग यूनिट्स सो एज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोमोशन एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ आउटलेट्स बी ऑल्सो एंश्योर्ड बाई पोस्टल यूनिट्स, ओके। उसके बाद क्या है, फॉर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पर्पस ए सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर एट SHMO विल डू कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ अमाउंट्स इन वॉलेट्स ट्रांजेक्शन डन। मतलब यहाँ पे आपका ऑडिट कौन करेगा, SMHO, ज़्यादातर SO और BO में ऑडिट कौन करता है, IPO या फिर ASP करता है, ठीक है। अब ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, ठीक है। ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, ए ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप हो रहा है PTC Mysore में फॉर गिविंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टू डाक मित्र विच इज़ कॉम्प्रेंसिव थ्रू बी इम्पार्टेड बाई सिस्टम मैनेजर फॉर ऑल पोस्टल डिविजन। वन सिस्टम मैनेजर ईच पोस्टल यूनिट टू बी ट्रेंड बाई PTC Mysore टू एक्ट एज मास्टर ट्रेनर, ठीक है। तो सिस्टम मैनेजर जो है उनको यहाँ से ट्रेनिंग दे के भेजा जाएगा हर राज्य में। मॉड्यूल टू बी रेस्ट्रिक्टेड एज 2 days ईच डे डेडिकेटेड टू मेलिंग एंड बैंकिंग कम इंश्योरेंस रेस्पेक्टिवली, हो गया। Stage 2 में क्या किया जाएगा, SPOC से ASP और IP रैंक का ओवरसी करेगा आपका ट्रेनिंग डिविजनल लेवल पे। एट द एंड ट्रेनिंग ए सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाई रेस्पेक्टिव डिविजन ऑफिस दैट दे आर ऑथोराइज पार्टनर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब आप लोगों को जो नियोग करेगा वो अल्टीमेटली ASP और IP ही करेगा, ओके। स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, Stage 1 में इनिशियल रोल आउट होगा इंश्योरेंस एंड मेलिंग सर्विस विथ स्पेशल एम्फसाइज ऑन पार्सल्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेंडर्स, हो गया। Stage 2 में क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल रोल आउट ऑफ Stage 1 फीडबैक ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ MOF बैंकिंग पोर्शन ऑफ DM स्कीम विल बी ब्रॉट इन टू इफेक्ट, ओके। अब चलिए वर्क फ्लो देखते हैं। वर्क फ्लो में क्या है, ऑल सर्विस, ये वर्क फ्लो ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑल सर्विस जो एक ब्रांच ऑफिस में होता है वो आप खुद से करना चाहते हैं, तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्वाइप अप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे,
आप देख सकते हैं कि मैच्योरिटी पेमेंट्स अकाउंट क्लोजर्स नॉमिनेशंस सब होगा एक ही पोस्ट ऑफिस से। ओके, अब ये सिस्टमेटिक वर्क फ्लो क्या है, ठीक है, ये थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये अगर समझ गया तो डाक मित्र का फंडा जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि CSI पोर्टल है, CSI पोर्टल है जो पॉपुलेट डेली अकाउंट है, वो लिंक सब पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ से सेंट्रलाइज्ड बैंक अकाउंट में जाएगा, और यहाँ से डाक मित्र जो है यहाँ से डायरेक्ट गिव्स एक्विटेंस एंड सबमिशन ऑफ आर्टिकल्स, डाक मित्र का डायरेक्ट एसओ से संबंध होगा। ओके, यहाँ से रजिस्ट्रेशन पोर्टल से भी डाक मित्र में जाएगा, डाक मित्र पोर्टल खुद से एक तैयार किया जाएगा, और प्रीपेड वॉलेट होगा डाक मित्र का पास भी, ठीक है। तो ये है जो मेल बात है। अब यहाँ पे जो है मेल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि मेल ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेन है कि एक मेल वैन और बस और टेम्पो व्हिच इज़ कैरिंग द मेल ऑफ पोस्ट ऑफिस टू व्हिच दे आर अटैच मेल कैरियर और GDS मेल डिलीवरर हु इज़ कैरिंग द मेल टू द पोस्ट ऑफिस व्हिच दे आर अटैच्ड। ओके, ये ऐसा ही होता है कि कैसे और मेल ऑपरेशन होता है, ये जस्ट यहाँ पे लिखा गया है मेल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मेल डिलीवरी कैसे होते हैं, यहाँ पे जस्ट वो एक डिस्क्राइब फॉर्म में आप लोगों को बताया गया है कि जिन लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है पोस्ट ऑफिस के संबंध में वो थोड़ा सा जान लें। ओके, और सेविंग्स बैंक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, डिपॉजिट विदड्रॉल इन POSA, कैश डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन RD, SSA, PPF अकाउंट, मंथली क्वार्टरली विदड्रॉल ऑफ MIS, SSA, SCSS इंटरेस्ट, अबव थ्री सर्विस आर प्रपोज टू बी मेड अवेलेबल इन FO फ्रेंचाइजी ऑफिस सब्जेक्ट टू कैश डिपॉजिट विदड्रॉल लिमिट सेट ऑफ BOs। ओके, PLI RPLI ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारे जो है बताया गया है यहाँ पे क्लियरली। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, टोटल कंप्लीट इस पे ही रहेगा। तो प्रपोज इंसेंटिव स्ट्रक्चर एक वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, डाक मित्र पूरा क्लियर हो जाएगा आपके सामने। बुकिंग ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे क्या है कि कितना इंसेंटिव मिलेगा आपको, 20% रेट आपके लिए जो है धार्य किया गया है। तो अगर 20 ग्राम का आर्टिकल है तो इसका रेट होता है ₹22, जो भेजना चाहता है उसको पे करना पड़ता है, तो उसमें आपको 4.4 दे देगा, ठीक है, कमीशन दे देगा। तो ऐसा ही होता है, ये आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर कोई स्पीच पोस्ट आता है अबोव 500 ग्राम का, अगर कोई स्पीच पोस्ट आता है 1000 से 200 to 1000 किमी में, तो उसके लिए 90 जो है पे करना पड़ता है और उसमें आपको ₹18 दिया जाएगा। तो ये आप सोच सकते हैं कि एक चिट्ठी को भेजने पे आपको इतना कमीशन दे रहा है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और क्या है, POSB ऑपरेशन मतलब जो सेविंग्स बैंक अकाउंट के है उसमें जो ट्रांजेक्शन होगा उस पर कितना मिलेगा, ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल ₹1 आपको मिल जाएगा पर ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट हो या फिर विड्रॉल हो, सब्जेक्ट टू 1 ट्रांजेक्शन इन अकाउंट टू ए डे RS 25 ऑन अकाउंट इन ए ईयर। उसके बाद परसेंटेज बेस मॉडल 0.25% कैश ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब 2.50 आपको मिलेगा अगर आपने ₹1000 का ट्रांजेक्शन किया है। फिक्स चार्जेस मॉडल है ₹1000 पर मंथ आप पर FO सब्जेक्ट टू मिनिमम 200 मंथली ट्रांजेक्शन, बहुत बढ़िया है। तो ये जो है ये आप लोगों को एक क्लियर कॉन्सेप्ट देता है पोस्ट ऑफिस के संबंध में, ठीक है। और इंसेंटिव भी होगा, पेमेंट ऑफ इंसेंटिव इस पे, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगर PLI RPLI करवाते हैं तो उस पे आपको कमीशन मिलेगा, मतलब सब कुछ आपको कमीशन बेस है, और कितना कमीशन मिलेगा ये भी एक क्लियरली यहाँ पे कहा गया है। अब आपकी मर्ज़ी आप ये डाक मित्र लेंगे या नहीं लेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ से आपको कंक्लूशन दे रहा है। ओके, तो डाक मित्र जो है हम लोग क्लियरली समझ पाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत करके ये वीडियो तैयार किया है। सब्सक्राइब करना GDS इन्फो को और लाइक करना इस वीडियो को एंड शेयर करना अपने GDS वाले ग्रुप में, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।